Elevate your future for best coaching in NEET 2022 test series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. कॉन्टॅक्ट शिवयो कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म. चंद्रपुर के संदेवाही में हुई घटना से कई सवाल निर्माण हो गए हैं. बीती रात जिस तरह से आकाश से कुछ चलते हुए टुकड़े सिंदेवाही और महाराष्ट्र के अन्य जगह पर गिरे हैं, इससे समस्त नागरिक और खगोल शास्त्री अचंभित हैं और अब इसको लेकर तरह तरह के बातें की जा रही हैं. किसी का मानना है कि ये न्यूजीलैंड महिया प्रायद्वीप इलेक्ट्रॉन रॉकेट बूस्टर के टुकड़े हो सकते हैं, तो कुछ लोकल मीडिया अपने खोज पत्रकारिता द्वारा इसका संबंध चीन के चैंगजेंग 3BY-70 रॉकेट के तीसरे स्टेज का हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं. एक नई थ्योरी के अनुसार इस घटना को रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विशेषज्ञों का मानना है कि कोई मिसाइल अपना लक्ष्य चुककर धरती के पास घूम रहे किसी सैटेलाइट से टकराने की वजह से ऐसी अनहोनी हुई है. जो भी हो, लेकिन जो हादसा बीती रात को हुआ वो तकनीकी था, मानवीय त्रुटि के कारण प्रतीत होता है. इसलिए इस टूटी हुई वस्तु की अलग अलग वस्तुएं अंतरिक्ष में फैल गई हैं और पृथ्वी पर गिर गई हैं. सौभाग्य से किसी के साथ हादसा होने की सूचना नहीं थी. पूरी घटना की सही तरीके से जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की भयानक घटना की स्थिति में जिम्मेदार निकाय आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेने की संभावना कम है, ऐसा स्काई वॉच ग्रुप के खगोल शास्त्रीय अभ्यासक मंडल ने कहा है. हुआ यूं कि शनिवार रात अचानक आसमान में उल्का पिंड दिखाई दिया. हालांकि मामला सामने आया है कि यह उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त आसमान से गिरा रहा टुकड़ा है. इसका एक बड़ा टुकड़ा सिंदेवाही के लाडबोरी गांव में गिरा. ये एन गांव के बीच में गिर गया, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ. करीब 40 किलो की एक गोल थाली नीचे और एक भूपंड पर गिर गई. इससे ग्रामीणों में भय का माहौल निर्माण हो गया. सूचना मिलने पर तहसीलदार ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया. उसी प्रकार इसके हिस्से को सिंदेवाही पुलिस स्टेशन में जमा किया गया. तहसीलदार के निर्देश पर पुलिस और तलाठी की टीम को अवशेषों की तलाश में लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक सुबह पनवन पार के एक झील के पास 5 किलो धातु की गेंद मिली, उसे भी थाने के हवाले कर दिया गया है. जिले में घटना की समीक्षा करने के लिए खगोल शास्त्रियों का एक दल मौके पर गया था. इस समूह के सदस्य सुरेश चौपेन, सचिन वजलवार, योगेश दूधापाचार्य ने मौके पर जाकर प्लेट और मेटल बॉल दोनों का तकनीकी निरीक्षण किया. उन्होंने अपने नोट्स ले लिए हैं और इसरो और अन्य शोध संस्थानों को जानकारी भेजेंगे. उनके अध्ययन से पता चला कि लॉन्च के समय उपग्रह के अवशेष थे. उनका अनुमान है कि एक अमेरिकी कंपनी के 2 रॉकेट न्यूजीलैंड से दागे गए थे. उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में आना था और पृथ्वी का निरीक्षण करना था. हालांकि रॉकेट लॉन्च के पीछे की तकनीक दुनिया के बाकी हिस्सों में काफी आगे है, लेकिन ये एक गलती हो सकती है जिसके कारण अवशेष समुद्र या रेगिस्तान में गिरने के बजाय मानव निवास में गिर गए. सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये एक गंभीर गलती है. आताच थोड्या वेळापूर्वी पश्चिम आकाशामधून एखादी खूप मोठी वस्तू जळत पडल्याचं व्हिडिओज आणि फोटोज अनेक लोकांनी घेतलेले आहेत. तसे खूप लोकांचे फोन पण मला आलेले आहे. हे फोटो किंवा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर स्पष्ट होते की एखादं जे जुनं सॅटेलाईट आहे ते सॅटेलाईट हे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामध्ये येऊन ते खेचल्या गेलं आणि त्याचे तुकडे तुकडे झाले आणि ते जळत खाली आलं, अशा प्रकारचं स्पष्ट चित्र दिसते आहे. परंतु दुसरी शक्यता अशी आहे की एखादी मोठी उल्का, ज्याला आपण छोटी अशनी वगैरे म्हणतो, ती अशनी जशी जर पृथ्वीकडे खेचत आली आणि ती जर जळ तिचे तुकडे झाले आणि ते जळत आले, तर अशा प्रकारचं चित्र दिसतं आहे. परंतु त्याच्या एकूण दृश्यावरून तसं वाटतं की ते एखादं निश्चितच सॅटेलाईट आहे आणि त्याचे ते तुकडे पडलेले असावेत.